हेलो एंड वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। इंडस वाटर की अगर हम बात करें या इंडस रिवर जो है उसका जो बेसिन है उसमें 6 रिवर्स हैं। इन 6 नदियों का पानी भारत से होता हुआ पाकिस्तान में जा रहा है, तो दोनों देशों के बीच में एक संधि है और यह है इंडस वाटर जो ट्रीटी है, यह संधि है जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में जो वाटर शेयरिंग होती है। अब पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं और ये इश्यूज इतने आगे बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो मैटर है ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर लेके यहाँ पे पाकिस्तान गया है। अगर हम बात करें, इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कॉपरेशन नहीं दिखाया जा रहा था और जो परमानेंट कमीशन बना हुआ है, जो भी डिस्प्यूट होता है अगर यहाँ पे वाटर रिवर वाटर की शेयरिंग को लेके, तो उसके लिए मैकेनिज्म है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही। तो उस मैकेनिज्म से बाहर जाके पाकिस्तान ने यहाँ पे इस मुद्दे को जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहाँ पे लेके जा रहा था। इंडिया की तरफ से इसके अगेंस्ट में मेंशन किया गया था कि आप जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी वजह से हमें इसको मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि आप इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविज़न हैं, इस संधि के प्रोविज़न हैं, इनका आप वायलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमें ये अधिकार मिलता है कि हम यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दें। ये पूरा इशू चल रहा था। फाइनली पाक ने बात नहीं मानी और ये मैटर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया, जहाँ पे इंडिया ने जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए ये कहा था कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि आप इस मुद्दे को सुन सकें। लेकिन इंडिया का ये ऑब्जेक्शन रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हॉग में बेस्ड ये कोर्ट है, इसने इस मैटर को सुना और इसके डिसीजन को अभी इंडिया ने रिजेक्ट यहाँ पे किया है। पूरा जो मुद्दा है इसको ढंग से देखते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई। उस समय इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे। वर्ल्ड बैंक का इसके में बहुत बड़ा रोल था। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे मीडिएशन किया, एक तरह से उसकी मध्यस्थता के माध्यम से ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। इंडस वाटर ट्रीटी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है जिसके अंदर इंडस बेसिन की 6 रिवर जो हैं उनका वाटर शेयर हो रहा है। इसमें इन्होंने क्या किया है, वाटर जो रिवर्स जो हैं उनको ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसा आप ये मैप में देख पा रहे हैं, तो जो रावी है, ब्यास है और सतलुज है, ये जो 3 रिवर हैं, इन तीनों रिवर को ईस्टर्न रिवर कहा गया, ईस्टर्न रिवर कहा गया, और जो 3 रिवर यहाँ पे इंडस, झेलम और चेनाब है, इनको वेस्टर्न रिवर कहा गया। तो ईस्टर्न रिवर पे इंडिया का पूरा राइट है, वाटर को कैसे भी यूज़ कर सकता है, अपने मर्जी से जिस तरीके से चाहे वो यूज़ कर सकता है, कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है ईस्टर्न रिवर के वाटर यूज़ पे, अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ का यहाँ पे इंडिया को दिया गया है। जबकि वेस्टर्न रिवर की बात करें जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब है, वहाँ पे पाकिस्तान को राइट्स दिए गए हैं, इंडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं यूज़ के, कितना परसेंट आप इस तरीके से वाटर यूज़ कर सकते हो। तो अनरेस्ट्रिक्टेड जो यूज़ इंडिया को मिला हुआ है वो ईस्टर्न रिवर पे है, लेकिन यहाँ पे जो इशू चल रहा है वो वेस्टर्न रिवर पे। क्या इशू चल रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, इशू ये चल रहा है कि इंडिया यहाँ पे जो वेस्टर्न रिवर है उसके अंदर आप देखोगे कि 2 इंडिया के यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। डिस्प्यूट क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया यहाँ पे 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अपने जो प्रोजेक्ट है वो बना रहा है। एक है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि किशन गंगा पे बन रहा है, किशन गंगा झेलम की ट्रिब्यूटरी है, जबकि एक रतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जो चेनाब पे बन रहा है। जैसा आप इसकी लोकेशन देख पाएंगे मैप पे, इनकी लोकेशन भी ध्यान रखें, किशन गंगा आ गया, इसके बाद आप देखेंगे ये रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो चेनाब पे है, किशन गंगा झेलम पे, जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की वहाँ पे बना हुआ है। अब ये जब इंडिया ने ये प्रोजेक्ट बनाए तो यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा कि आप ये प्रोजेक्ट बना के इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि ये जो दोनों रिवर हैं झेलम और चेनाब ये तो वेस्टर्न रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर पे आपका जो है जो वाटर यूज़ का राइट है वो बहुत लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पे आप ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना के इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए इस इशू को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इंडिया ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है रन ऑफ द रिवर स्कीम है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर स्कीम में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रही है, जनरली क्या होता है हाइड्रो पावर जनरेट होती है, आपने डैम बनाया, फिर डैम के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, ओके, आपने वाटर को स्टोर किया है और उस वाटर को फिर ऊंचाई से गिरा के जो टर्बाइन घूम के बिजली आपका जनरेट हो रही है। लेकिन रन ऑफ द रिवर स्कीम में कोई डैम नहीं बन रहा है, कोई इस तरह से वाटर स्टोरेज नहीं किया जा रहा है, तो इंडिया कह रहा है बस हम यहाँ पे जो नैरो चैनल्स हैं ऊंचाई से वहाँ से पानी गिरा रहे हैं और आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रन ऑफ द रिवर स्कीम में कोई स्टोरेज नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट वायलेटिंग दिस इंडस वाटर ट्रीटी प्रोविजंस। लेकिन पाकिस्तान इससे सहमत नहीं हुआ और पाकिस्तान ने कहा कि हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट की जरूरत है 2015 में।
ये न्यूट्रल एक्सपर्ट का रोल कहाँ से आया इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए इंडस वाटर जो ट्रिटी है उसके अंदर मैकेनिज्म है कि अगर आपके बीच में कोई भी इशू होता है तो परमानेंट इंडस कमीशन बना हुआ है। ये परमानेंट इंडस कमीशन के माध्यम से दोनों देशों के बीच में जो है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी कि रिवर वाटर का कैसे यूज़ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट होते हैं, कोई इशू होते हैं, आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं, आपके कुछ डिफरेंसेस हैं, तो जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट के माध्यम से। ठीक है कि इंडिया भी जो है उससे एग्री होगा और पाकिस्तान भी उससे एग्री होगा, तो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है वो यहाँ पे डिफरेंसेस में डिसाइड करेगा कि हाँ फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोजेक्ट हैं तो क्या ये सही हैं, क्या ये इससे ट्रिटी का उल्लंघन है, नहीं है। अगर ये डिस्प्यूट के अंदर आपका बदल जाता है तो ये डिस्प्यूट जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को रेफर किए जाएंगे। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो रोल है बहुत लिमिटेड है, जैसे न्यूट्रल एक्सपर्ट है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट को वो डेजिग्नेट करेगा कि हाँ ये न्यूट्रल एक्सपर्ट के रूप में बन सकते हैं, या फिर जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हैं फाइन तो उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे कर सकता है, लेकिन उसमें ये होगा कि हाँ दोनों साइड उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट की मैकेनिज्म है। तो 2015 में पाकिस्तान ने कहा कि हम न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए जा रहे हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट को आप अपॉइंट कीजिए ताकि जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन है उनमें देखा जा सके कि ये किशनगंगा प्रोजेक्ट बन रहा है, रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, इससे इंडस वाटर ट्रिटी का उल्लंघन है या नहीं है। अगले ही साल आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने यूनिलैटरली है ना, अपने आप ही इंडिया का बिना उसमें वो लिए पक्ष रखे, यूनिलैटरली वहाँ से उस रिक्वेस्ट को रिट्रैक्ट कर लिया, मतलब हटा लिया न्यूट्रल एक्सपर्ट वाली रिक्वेस्ट को, और इसको प्रपोज़ किया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये मैटर जाएगा, जहाँ पे जो कोर्ट है वो इसको एडजुडिकेट करेगा और डिसीजन जो है बाइंडिंग होंगे। अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो यूनिलैटरली मतलब अपने आप ही बिना इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिए या इंडिया के पक्ष को रखे बिना ही पाकिस्तान ने जो ये यूनिलैटरली इस रिक्वेस्ट को, न्यूट्रल एक्सपर्ट वाली रिक्वेस्ट को हटा लिया, तो वो कहीं ना कहीं इंडस वाटर के ट्रिटी का जो है आर्टिकल जो 9 है उसका उल्लंघन है। ओके, और इंडिया ने यहाँ पे मेंशन किया कि आपने ये जो आर्टिकल 9 है उसका उल्लंघन किया है, इसलिए हमें ये राइट मिल जाता है कि हम इसको मॉडिफाई कर पाएँ। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें चल रही थी। हालांकि इंडिया ने एक रिक्वेस्ट यहाँ पे मेड की है कि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट को ही मैटर जाना चाहिए, यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने जो है इस को रिफ्यूज़ कर दिया इस रिक्वेस्ट को, और उसके बाद आप देखोगे 2016 से लगातार ये मैटर लटका हुआ है, और इसी वजह से पाकिस्तान का कोऑपरेशन नहीं है। इसी वजह से पिछली जो 5 मीटिंग है 5 सालों में 2017 से 22 तक जो परमानेंट इंडस कमीशन की जो मीटिंग्स हुई हैं, पाकिस्तान ने वहाँ पे इस मैटर को डिस्कस करने से मना कर दिया, जबकि वो इंडस वाटर ट्रिटी के अंतर्गत ये मैकेनिज्म है कि इस तरह के इश्यूज़ को यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। अब रिसेंटली क्या किया गया कि पाकिस्तान यहाँ पे लगातार इसकी कोशिश कर रहा था, और उसी जो प्रयास है उसी की रिक्वेस्ट के पे, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएट कर दिए दोनों एक्शन कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए भी जाते हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए भी जाते हैं। जबकि यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रिटी के जो प्रोविजंस हैं, संधि के अंदर जो प्रोविज़न हैं, वो यहाँ पे दोनों को एक साथ कवर नहीं कर रहे हैं। ओके, कि पैरेलल कंसीडरेशन हो सकता है, किसी मुद्दे पे न्यूट्रल एक्सपर्ट भी बात करेगा और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी बात करेगा, ऐसा यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है। तो दूसरी बार हमें देखने को मिल रहा है कि जो इंडस वाटर ट्रिटी के प्रोविज़न है उसके कॉन्ट्रावेंशन में चीज़ें चल रही है, और इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे कहा कि पाकिस्तान के जो एक्शन हैं उसकी वजह से हम मजबूर हो गए हैं। और यहाँ पे इंडिया ने ये नोटिस पाकिस्तान को इशू भी किया था कुछ समय पहले, जहाँ पे इंडिया ने कहा था कि आप जो है ट्रिटी का वायोलेशन कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये नोटिस दे रहे हैं, इस नोटिस पे अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। तो अगर आप इसको चेंज, कुछ भी यहाँ पे चेंज होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी आबादी इन वाटर से जो है रिवर का जो पानी है उससे इरिगेशन हो रहा है, पूरा पंजाब जो रीजन है पाकिस्तान का उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें, वाटर सिक्योरिटी है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, फाइन हाइड्रो जो पावर है, ये सब चीज़ें, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तो वो सब चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। फेस्ड विथ सच वायलेशन ऑफ द ट्रिटी प्रोविज़न, इंडिया ने यहाँ पे ये नोटिस दिया है मॉडिफिकेशन का, और इंडिया ने कहा है कि ये जो आर्टिकल 12 है इसी ट्रिटी का, इसके अंतर्गत हम यहाँ पे जो है ये आर्टिकल हमें राइट देता है कि हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मतलब इंडिया चाह रहा है कि इस ट्रिटी को मॉडिफाई किया जाए, रिन्यू किया जाए, रिविजिट किया जाए, इसके अंदर बदलाव की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम देखें कि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, क्या इसका साइंटिफिक बेसिस भी कुछ बनता है कि इसको मॉडिफाई किया जाए। तो देखो, इंडिया यहाँ पे ख़त्म तो नहीं कर रहा है, और ये एक अच्छी बात है। इंडस वाटर ट्रिटी आप देखोगे 3 जंगें लड़ी हैं दोनों देशों ने, 3 वॉर्स यहाँ पे लड़ी हैं, उसके बाद भी इंडस वाटर ट्रिटी आज भी जो है इस तरीके से 60+ ईयर्स हो चुके हैं और दोनों देश यहाँ पे इंडस वाटर ट्रिटी के साथ हैं, तो ये एक तरह की सक्सेस है, वी शुड अप्रिशिएट दिस। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है, जो भी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि देखो, इंडस वाटर ट्रिटी 1960 के समय भी है,
सितंबर 1960 में साइन हुआ, आज चीज़ें बदल गई है। 1960 में चीज़ें अलग थी, आज हमारे सामने चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज के भी हैं। आज प्रेसिपिटेशन अगर हो रहा है तो एकदम से इतना सारा होता है, ओके, काफ़ी सारा यहाँ पे जो है रन ऑफ आ रहा है, फिर कब काफ़ी समय तक बारिश नहीं हो रही है, तो इरेटिक रेनफॉल हो रहा है। प्रेसिपिटेशन की टाइमिंग, रन ऑफ, इंटेंसिटी, सब चीज़ें चेंज हो गई हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसलिए यहाँ पे हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें देनी होगी, ओके, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर एलोकेशन अमंग द पार्टीज। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंडिया कह रहा है कि नहीं, ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए, या जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसको फेवर कर रहे हैं कि यहाँ पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इंडस वाटर ट्रीटी को चेंज करने की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान इस पर एग्री नहीं कर रहा है। इसमें एक और रीज़न देखें जो इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से जिसको एक्सेप्ट किया जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको जो बनाया गया, मतलब ये जो संधि हुई, जो ट्रीटी साइन हुई, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव था ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द वाटर्स। इंडिया ये बिलीव करता है कि हाँ, ये जो है ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वाटर, ये इसका मेजर यूज़ है, जबकि पाकिस्तान यहाँ पे ये बिलीव करता है कि इसका जो मेजर मतलब ऑब्जेक्टिव है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो है अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वाटर टू इट्स साइड, कि हमारे पास जो पानी है बिना किसी रुकावट के हमारे को पानी मिलता रहे, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। जबकि इंडिया कह रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द वाटर, कि जो वाटर है उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ किया जा सके। अब यहाँ पे अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे जो इस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं उसके अंदर दो मेजर अप्रोचेस चलती हैं। इसमें यह इंश्योर किया जाता है, दो मेजर प्रिंसिपल चलते हैं कि इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो शेयरिंग हो रही है इसमें दो चलेगा। एक होगा इक्विटेबल शेयरिंग, इक्विटेबल एंड रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रीजनेबल यूटिलाइजेशन, जिसको ERU भी कहते हैं, इक्विटेबल रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर। फाइन, अब इक्विटेबल रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर क्या है, दोनों का अलग अलग यहाँ पे रहेगा, कोई इसका स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया पे हम एग्री नहीं कर सकते, दोनों पार्टी डिफर कर सकती हैं कि नहीं, ये इक्विटेबल और रीजनेबल यूटिलाइजेशन ये होगा। सेकेंड इसमें प्रिंसिपल फॉलो होता है, वो है नो हार्म रूल, कि आप जो है एक देश जो है वाटर के इस प्रकार यूज़ नहीं करेगा कि दूसरे देश को नुकसान पहुंचाए। तो इंडिया का बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि इससे कोई नुकसान यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब इसमें फर्स्ट वाला जो इफेक्ट इक्विटेबल रीजनेबल यूटिलाइजेशन है, इसमें थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी बन रही है, और इसीलिए यहाँ पे ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जो कन्वेंशन है यू हैव दैट इस तरह की, वो वाइटल ह्यूमन नीड्स के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे डिसाइड करना हो कि किस तरफ हमें जाना है, कि एक पार्टी को इसको फेवर करना है या इसको फेवर करना है, किसकी डिमांड जो है वो जस्टिसिएबल है या फिर किसकी डिमांड रीजनेबल है, कहाँ पे इक्विटेबल रीजनेबल यूटिलाइजेशन वाटर का हो रहा है, क्योंकि इंडिया तो ये कह रहा है कि देखो पानी हम रोक नहीं रहे, वही पानी जा रहा है, इससे हमें हाइड्रो पावर जनरेट हो रहा है, उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो उससे डेवलपमेंट इंश्योर हो जाएगा और आपके पानी पे कोई रुकावट नहीं है, तो ये कैसे डिसाइड होगा। तो वाइटल ह्यूमन नीड्स का ये जो प्रिंसिपल है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल के आधार पे इन चीज़ों का डिसीजन लिया जा सकता है, और यहाँ पे डेफिनेटली इनिशिएट अगेन एक जो है इनिशिएटिव लेना होगा, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे ये इनिशिएटिव ले सकता है कि किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को विद रिगार्ड टू द ओके कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, स्पेशली क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चैलेंजेस के हिसाब से यहाँ पे इसमें चेंज की, मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। तो इंडिया इसको ख़त्म तो नहीं कर रहा, बट इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी आज की आवश्यकताओं के आधार पे इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि 1960 में ये साइन हुआ था और अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसीलिए इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज की आवश्यकता है। दैट्स वाई इंडिया वांट्स टू मॉडिफाई दिस इंडस वाटर ट्रीटी, और इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे रिजेक्ट भी किया है कि आप जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इंडिया ने कहा कि आप यहाँ पे लेके तो गए हो मुद्दे को, लेकिन ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग, जो मैं कह रहा हूँ प्रोविजन है उसके अंतर्गत ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, इंडिया का ये व्यू पॉइंट था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इसको खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, हमारे को पूरा अधिकार है और हम इसकी पूरी सुनवाई यहाँ पे करेंगे, लेकिन इंडिया इसको बायकॉट ही कर रहा है शुरू से, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे, इंडस वाटर ट्रीटी में जो प्रोविज़न है उसी के आधार पर इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सेशन से रिलेटेड PDF और अदर अपडेट्स के लिए इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं वो Unacademy से जुड़ सकते हैं, और Unacademy पे जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं UPSC की। आपने देखा 2022 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, अराउंड 1/3 सिलेक्शन Unacademy से हैं, और यहाँ पे अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, उसी फीस में आपको PT, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, इवेलुएशन, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ओके, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आपकी फ़ीस जो है हाइक होने वाली है 31 जुलाई से, अभी 50% तक के डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसके लिए आप जा सकते हैं।
यूज़ द कोड आरबीलाई टू गेट द मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट. जो बच्चे 24 का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनको जो है डिस्काउंट यहाँ पे रहेगा. एक तरह से फ्री ऑफर की जाएगी ऑफलाइन मेंटरशिप, प्री से मेंस तक की तैयारी फ्री की कराई जाएगी. नए बैचेस अभी 3 अगस्त से चल रहे हैं. फाउंडेशन कोर्स आपका 31 जुलाई से शुरू हो रहा है. हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए 10 अगस्त से कोर्स शुरू हो रहा है. 0% EMI ऑप्शन पे भी जा सकते हैं. ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, दिस इज द फीस. यूज़ द कोड आरबीलाइव टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ. हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैगजीन भी अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन. हैव अ ग्रेट डे गाइस.